तो पाइथन की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में कि आप कैसे इनपुट लेंगे और कैसे आउटपुट देंगे। चलिए हम वीएस कोड को ओपन करते हैं। और यहां पे हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं थर्ड डॉट पी वाई। ठीक है, थर्ड डॉट पी वाई। तो हमने कल बताया था प्रिंट के बारे में। प्रिंट पे हम स्लैश टी और स्लैश एन का जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ाया था। आई थिंक आपने उसको अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्रिंट करते समय कुछ और चीजों के बारे में बात होती है, जैसे कि एंड। एंड के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं यहां पे देता हूं आईपीटी एक्सेल स्कूल। अब आपको मैंने बताया था कि इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, कॉमा। यहाँ पे कॉमा लगाते, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ देता हूँ ई एन डी एंड इक्वल। और एंड इक्वल में हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे देते हैं स्लैश टी कर दिया। ठीक है, और यहां दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे दिया, वो एक स्टेटमेंट देता हूं जैसे एडवांस सेल्फ ट्रेनिंग मैंने दिया, और यहां पे हमने कॉमा देते हैं, और यहां भी हम एंड का इस्तेमाल करते हैं एंड इक्वल, और इसमें भी मैं स्लैश टी करता हूं। मैं इनवर्टर कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां हम रन करते हैं, देखिए क्या हो। यहां पे देख सकते हैं आईपी रेक्स स्कूल, और यहां पे एक एक टैब लिया और फिर एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर शो किया सेम लाइन में। अब चलिए मैं स्लैश टी वाला पार्ट जो है इसको हटा के सिंगल बस यहां पे रख देता हूं। तो इससे क्या होगा, इससे आप देख सकते हैं कि यहां पे इकट्ठा हो गया, लेकिन मैं यहां स्पेस दे देता हूं, यहां पे कर देता हूं स्पेस। यहां जैसे स्पेस आ गया, तो एंड का जो फॉर्मेट ये होता है कि लास्ट में आप क्या लगाना चाहते हो, कोई भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट की लास्ट में आप क्या लगाना चाहते हो, स्पेस लगाना चाहते हो, टी लगाना चाहते हो, स्लैश एन लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो, तो लास्ट में यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो तो एंड समझ में आ गया सर अगर उसके जी। बगैर कॉमा लगा के दे देंगे तब भी चल जाएगा राइट? हाँ चल जाएगा, लेकिन जो लूप वगैरह होता है ना वहां पे फायदा होता है आपका। जब मान लीजिए आपको 10-20-25 लाइन प्रिंट करवाना हो, हर लाइन के लास्ट में कुछ स्पेस या कुछ ऐसा कुछ देना हो, तो उस समय प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक सर। अब बात करते हैं कि हम एक पूरी की पूरी एक लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। अब लिस्ट क्या होता है, अब लिस्ट के बारे में हालांकि आगे क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहां समझिए कि एक वेरिएबल पे आपने मान लीजिए कि 50 ऐड कर दिया, आप एक वेरिएबल पे कई सारे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको लिस्ट कहते हैं। जैसे हम एक्सेल में एरे यूज करते हैं कि 50, 100, 200, 300, और यहां पे आप पूजा भी कर सकते हैं, तो टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ये लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिस्ट। मतलब कि आप जो है एक वेरिएबल पे कई सारे टाइप की कई सारे वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट कॉल लिस्ट। अब मैं यहां पे अगर लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट में मैं कर देता हूं ए, तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगी एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में। यहां देखिए एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में प्रिंट हुआ, मतलब कि जो स्कोर स्क्वायर ब्रैकेट था उसको भी लेके सेम टू सेम इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, जी सर। पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार इस पे हम फॉर्मेटिंग भी लेते हैं, हालांकि इसका यूज मैंने कहीं भी हुआ है कहीं भी नहीं भी हुआ है। जैसे एक्स इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा एक्स इक्वल टू 10, और फिर यहां पे हमने दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने मान लीजिए यहां पे देते हैं कि वैल्यूज
और यहाँ इक्वल, और यहाँ हम देते हैं ये, बेसिकली ए सी का मेथड है कि परसेंटेज आई, आई फॉर इंटीजर के लिया, और यहाँ पे हम परसेंटेज एक्स करते, नहीं यहाँ पे नहीं, ये कोड नहीं रहना होगा, ये नहीं होगा, ये सी का मेथड है। यहाँ पे देखिए प्रिंट कमांड में एक एरर आ रहा है ना, यहाँ पे रेड कलर लगा हुआ है, तो ये आपको नहीं चलेगा, ये एरर दे रहा है। सो एक्स नहीं ना, प्रिंट, हाँ एक्स, ये एरर देगा, इसको छोड़ दीजिए। स्पेस का तो मसला नहीं है सर, स्पेस का मसला। मैं वो स्पेस का मसला नहीं है उसमें, नहीं, ए सी का मेथड है सर, सी में ऐसा करते हैं हम लोग, बट यहाँ नहीं ले रहा है, तो ये हटा देते हैं। हम डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्स को प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, देख हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि दो वैल्यू को इकट्ठा प्रिंट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमने 10 ले लिया एंड मैं वाई इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूं कि प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा कि एक्स इक्वल, और यहाँ एक्स इक्वल और परसेंटेज आई, ये भी बी बी सी का मेथड है, इक्वल वाई इक्वल और परसेंटेज हम कर देते हैं अगेन आई, और फिर यहाँ पे एक्स, और एक्स के साथ सॉरी परसेंटेज वाई के साथ कॉम, हाँ सर यहाँ कॉमा नहीं देना होता है, ठीक है सर, प्रिंट पक्का कर दिया। ओ यहाँ पे हमने अंडरलाइन नहीं, नीचे कोड परफेक्ट रन होगा, ये देखिए इसमें क्या फायदा, इस कोड को रन कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे X10 Y10 दिख रहा है, तो इसकी देखिए वे समझिए हमने आई क्यों लगाया, आई फॉर इंटीजर, मैं डीवी यहाँ पे डीवी लगा सकता हूँ, ठीक है सर। यस सर, पता तो चल जाएगा। यहाँ अब इसी 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 चीज को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड यूज करूंगा सेम चीज को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन्वर्टेड कॉमा में वाई एक्स, सॉरी एक्स इक्वल टू फिर कॉमा यहाँ पे एक्स दूंगा, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में फिर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा या कॉमा दूंगा, फिर यहाँ पे मैं इन्वर्ट, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वाई इक्वल फिर कॉमा वाई, ठीक है सर। तो यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है, तो ए मेथड देखिए, अब ये पुराना मेथड देखिए। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे तीन चार वेरिएबल हो जाएंगे तो कॉमा 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 लगाने में दिक्कत होगी, बट यहाँ पे जितने वेरिएबल्स है उसके हिसाब से जो भी नाम देना है यहाँ पे एक्स वाई जो भी देना है वो लिखते थे, ये जो यहाँ ये जो एक्स है इस एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक्स की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी एच लगा सकते हैं, यहाँ पे ठीक है सर, यहाँ पे टी, यहाँ पे वाई टी एच लगा सकते हैं, ओके। तो इससे क्या हुआ कि आप अपने वेरिएबल को सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं सर अब्जुर जी। सर सर सर, ये सर लाइन नंबर 11, मुझे ये लाइन जो लाइन नंबर 11 में उसकी समझ आ गई, एक्स इक्वल्स टू परसेंट आई एंड वाई इक्वल्स टू परसेंट आई, और उसके बाद आपने परसेंट लिखा है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब ये है कि हम ये इसका क्या मतलब देखिए, हुआ कि हम जो एक्स बात समझिए, परसेंट बात, एक्स, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, दो इंटीजर लिया सर, इसको नंबर, इसको इंट मान लेते हैं, ठीक है, यस सर और इस इंटीजर को मुझे शो करना है इस फॉर्मेट में कि एक्स इक्वल टेन वाई इक्वल टेन, राइट।
तो मैं ये वाला नॉर्मली जनरली हम इस वाला मेथड को फॉलो करेंगे सिक्वेंसली, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। लेकिन अगर ये दो है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 या 10 होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया कि सब यहाँ पे हम डालते चले गए, नरेशन डालते चले गए, और लास्ट में मैं परसेंटेज के साथ आई लेता चला गया। परसेंटेज सब क्या लेता चला गया, आई को लेता चला गया, एंड द लास्ट परसेंटेज के साथ ब्रैकेट में सारे वेरिएबल्स को सीक्वेंस में डाल दिए। तो जैसे ही ए होगा, एक्स जो है आई को यहां रेफर कर देगा, वाई जो है यहां रेफर कर देगा। समझ गए, समझे कि नहीं सर? अब चलिए यहां पे एक चीज और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक का नाम देना है, या 1 से 10 तक का नाम नहीं, 1 से 10 तक का मुझे मान लीजिए नंबर देना है, प्रिंट करवाना है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या, यहां पे प्रिंट नहीं, मैं यहां पे a इक्वल टू 10 नहीं, मैं 5 ही लेके चलता हूँ, 15, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 70। हालांकि इसके लिए एरे सही रहेगा, लेकिन एरे यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो शुरुआती है आपकी। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है सिक्वेंसली। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे सिंपल हमने लिखा कि ए इक्वल परसेंटेज आई। ठीक है सर, अब इसी में हमने यहाँ पे सॉरी, और इसी में आगे हम इसी को हम स्पेस दे देंगे, फॉलो करते चलेगा। ए की जगह पे मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, फिर यहाँ पे सी कर देता हूँ, और यहां पे डी कर देता हूं, और यहां पे ई कर देता हूं, और यहां पे एफ कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे है कॉमा नहीं डालूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर गलती हो रही थी क्योंकि मैंने कॉमा डाल दिया था, कॉमा नहीं डालना है। ठीक है, और परसेंटेज के साथ ब्रैकेट में आप अपना सरा डाल दीजिए, कॉमा के साथ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, समझे? ऐसा अब इसको रन कीजिए, देखिए दिख गया यहाँ पे। ठीक ठीक सर, तो कॉमे का बेसिकली कॉमे का क्या सर, फंक्शनलिटी है, मतलब कॉमे का क्या मतलब है, तो कॉमा डालने से क्या होता है, इसकी कॉमा डालने इसका इसकी बात कर रहे हैं किसी भी कॉमे की, कॉमा जब आप डालते हैं तो सर, मतलब कॉमा कॉमे सेपरेटर काम करता है। मान लीजिए कॉमा नहीं डालेंगे तो ए बी ओके सी सर। डी एफ जी सब एक ही मान लेगा ना। नो नहीं, इसमें नहीं सर, तो ये जो आर इक्वल टू आई जो आपने लास्ट लाइन है परसेंट आई के बाद आपने सिंगल कोटेशन डाल दिया, उसके बाद आपने बीच में कॉमा नहीं डाला, तो कॉमा क्यों हाँ, डाला इसमें आपने? कॉमा नहीं, तो नरेशन है ना, कॉमा नहीं डाला ना सर। कॉमा कब डालेंगे, जब मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए कॉमा कब डालेंगे, जब मुझे सर जब सारे वेरिएबल को प्रिंट करना है, कि मुझे ए प्रिंट करना है, कॉमा बी प्रिंट करना है, कॉमा सी प्रिंट करना है, समझे? तब कॉमा डालेंगे ना। तो लेकिन ए तो मेरा एक ही है ना, पूरा का पूरा एक ही स्टेटमेंट है, इन्वर्टर कॉमा में डाला हुआ एक ही टेक्स्ट है। क्या है, एक ही टेक्स्ट है यहाँ पे, एक ही लाइन में इकट्ठा दिखाया। और ये परसेंटेज आई इसलिए किया ताकि यहां से वेरिएबल की वैल्यू फिट कर सके, समझे? यस मैंने मुझे मुझे एक लाइन में पूरा लिखना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अलग वैल्यू लेना पड़ता, तो मुझे इस मेथड से लेके जाना पड़ता कि एक्स इक्वल टू कॉमा एक्स, फिर स्पेस, फिर वाई इक्वल टू कॉमा वाई, इस तरह से। क्योंकि एक्स इक्वल टू ये तो टेक्स्ट हो गया ना, और वाई एक वेरिएबल हो गया, तो एक्स इक्वल टू वाई को तो हमें इन्वर्टर कॉमा में डालना पड़ेगा। और एक्स जो है हमारा, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसको इन्वर्टर कॉमा से बाहर रखना पड़ेगा, और इसको सेपरेट करने के लिए मुझे कॉमा तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं तो ये अगर मैं इसको इकट्ठा लिख दूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए रर आ गया, रेड लाइन आ गई ना सर, समझे कि नहीं सर? यस सर,
तो एक कॉमा, जैसे कॉमा डालना ही पड़ेगा फॉर्मूला में, जैसे एक्सेल फॉर्मूला में कैसे कॉमा डालते हैं एक इनपुट से दूसरे इनपुट के लिए, ऐसे डालने पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ही नरेशन दिया, और जैसे मान लीजिए कि आप कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बीच बीच में कोई नंबर चाहिए, जैसे एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। कि n इक्वल टू हमने डाल दिया यहां पे पूजा से, ठीक है, और यहां पे हमने a इक्वल टू डाल दिया 30, और m इक्वल टू डाल दिया बुलेट जी, यहां पे इन्वर्टर कॉमा डालेंगे, बुलेट जीरो नॉन कैलकुलेटेड नंबर इन्वर्टर कॉमा डालेगा, और c इक्वल टू हमने यहां पे डाल दिया न्यू दैट। अब मुझे एक नरेशन प्रिंट करना है कि पूजा सिंह एज 30, मोबाइल नंबर इतना और सिटी न्यू दिल्ली, एक नरेशन प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट कमांड के अंदर हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल, नेम इक्वल। अब यहाँ पे परसेंटेज के साथ हमने क्या दे दिया, एस दे दिया, एस फॉर स्ट्रिंग, फिर स्पेस दिया एज इक्वल, और फिर परसेंटेज के साथ यहां पे हम दे देते हैं आई, क्योंकि 30 इंटीजर है इसलिए आई दे दिया, फिर स्पेस किया मोबाइल इक्वल, और यहां पे हमने परसेंटेज के साथ क्या दे दिया, हमने एस दे दिया, एस फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर स्पेस यहाँ पे सिटी, सिटी इक्वल और परसेंटेज में हमने डाल दिया सी। अब स्पेस देते हैं, परसेंटेज देते हैं, और जिस सीक्वेंस में है ना उसी सीक्वेंस में, तो एन है पहले, उसके बाद एज है, सर उसके ये बाद तो नहीं हो सिट सकता ना, वो तो आपने मोबाइल है, मोबाइल है, क्या बोला, नहीं नहीं सर आपने सर ये लाइन नंबर 24 पे सिटी के नहीं बाद एस होगा ना, स्ट्रिंग होगी, आपने सी डाल दिया। हाँ हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जहां जहां पे नेम एन है, एन यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया सर। यस सर, यस। तो जब हम एक नरेशन लिख रहे हैं प्रिंट में, कोई एक नरेशन, एक कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, एक पैराग्राफ प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर कुछ कुछ वैल्यू हमें वेरिएबल से लेना है, तो वहां पे हम इस तरह के फीचर का इस्तेमाल करते हैं, समझे। यस सर, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आई फॉर इंटीजर लेते हैं, डी फॉर डबल को लेते हैं, और एस फॉर स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है ना। एफ फॉर फ्लॉट, अगर डेसिमल में है तो हम एफ लेंगे, एफ फॉर फ्लॉट, ठीक है। अब चलिए एक और चीज यहां पे बात करते हैं, हम बात करेंगे फॉर्मेट। अब यहां पे हमने एक, अब यहां पे मैं यहां पे एक चीज और भी कर सकता हूं कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार वेरिएबल इकट्ठा लिखा और चारों पे यहां पे 10, 20, 30, 40 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी ये स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल को। अब मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने इन्वर्टर कॉमा में लिखा नंबर एक, नंबर वन इक्वल, और कर्ली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो है हमने उसका सीक्वेंस लिख दिया 0, और फिर हम इसके बाद डॉट फॉर्मेट लगाएंगे, और फॉर्मेट के अंदर हम अपना वेरिएबल जो है हम ए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ए। अब देखिए यहाँ पे देखिए नंबर वन 10 आया, 10 आ गया। तो जब आपके पास इस तरह के बहुत सारा एरे कमांड है, वहां पे आप ये नंबर दे सकते हैं कि कौन सा चाहिए। मैंने यहां मान लीजिए 2 कर दिया, तो 2 में क्या आएगा,
नहीं टू एरर है क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 1 2 में सी करना हो गया सी। सर इसकी मुझे समझ नहीं आई है, तो हम वैसे भी प्रिंट कर दें खाली नंबर मतलब सी लिख के और फिर जीरो परसेंट ही सी के आगे होगा। कुछ चल नहीं जाएगा। मैं फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ डिटेल में, ठीक है? नाउ इज 30 हो गई। फॉर्मेट के बारे में डिटेल में बताता हूँ। फॉर्मेट का यूज होता है जैसे कि आप कोई प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करते समय आप फॉर्मेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं? फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट के हिसाब से आपका प्रिंट होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहां पे इसी को बात करते, तो नंबर वन फॉर्म यहां आएगा। अब यहीं पे हम यहाँ पे कॉमा लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो नंबर था, नंबर देना चाहिए था नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर टू इक्वल कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे वन हो, जीरो की जगह पे वन वन। फिर यहाँ पे नंबर इक्वल कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे नंबर थ्री होगा, नंबर यहाँ पे थ्री, यहाँ पे होगा टू, और यहां मैं दे देता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी। यहां पे देख सकते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, ठीक है? अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे नंबर थ्री करता हूं और यहां पे जीरो की जगह पे टू कर देता हूं और यहां नंबर टू करता हूं और यहां पे हम कर देते हैं जीरो। दिख रहा है सर आपको कि नंबर थ्री यहां पे आ गया 30। तो अब यहां पे डिफरेंस में कि ये जो मेथड हम यूज करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। बात समझ रहा है? ठीक है। दूसरा बात कि हम वेरिएबल, हमारा जो वेरिएबल है वो भी अलग अलग है, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग देना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, हमने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास तीन है एबीसी, तीन वेरिएबल है, मुझे ए को यहाँ नहीं, मुझे ए को यहाँ फिट करना। तो जीरो के साथ सीक्वेंस दे दीजिए कि 0 1 2 3 4 5, ऐसे सीक्वेंस दीजिए। जैसे आप पहले यहाँ पे पैलेस करोगे नंबर को, उसी हिसाब से यहाँ से वो पिक करके वो बैठाएगा। मतलब सीक्वेंस यहाँ बाउंड्री नहीं रहेगी कि आपको प्रिंट जो है सिक्वेंसली देना है। प्रिंट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कहां पे देना है कहां पे नहीं देना, ठीक है? ठीक सर समझ में आया आपको? जी सर तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि आप यहां पे अपना सैलरी और बाकी जो चीजें देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है? फॉर्मेट में आगे भी इस्तेमाल, फॉर्मेट के बारे में आगे भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जितना मुझे। ओके, तो यहां पे आपका इन आउटपुट जो है वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इनपुट। अब जैसे अभी हमने जो भी वैल्यू डाला यहां डाल दिया ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यूजर से इनपुट लू देन आउटपुट दू। जैसे मैंने एन इक्वल टू बोला कि इंट इंट नहीं सॉरी इनपुट इनपुट, और यहां पे हमने बोला कि एंटर नेम, एंटर नेम, और यहां पे लिखता हूं कि प्रिंट यहां पे योर नेम इज, और यहां कॉमा करके हमने दे दिया एनपुट। तो अब क्या होगा, अब यहां पे हम जो है जब भी इनपुट लें तो स्लैश टी ले लें जरूर, क्योंकि वो फिर वो गैप देगा आपको लिख टाइप करने के, वरना वो सटा हुआ देगा तो दिक्कत हो जाती है, तो टी जरूर ले। तो यहाँ पे देखिए एंटर नेम का टाइटल आ गया, और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ टाइप करने के लिए कर्सर है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सुजीत और कुमार,
जैसे एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे रेशन दिख गया, योर नेम इज द सुजीत कुमार। तो जब भी जैसे कि एक वीवीएम में हम लोग इनपुट बॉक्स लेते थे, ऐसे पैथन के अंदर में आप जो है इनपुट लेते हैं, क्या लेते हैं इनपुट, स्लैश एन स्लैश टी, इस पे भी वर्क करता है, ठीक है, स्लैश टी और स्लैश एन जो है नंबर के लिए इसमें वर्क करता है। क्लियर सर, कोई डाउट इसमें? सही सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जब आप इनपुट लेते हैं तो हमेशा वो टेक्स्ट के अंदर ही रहता है। क्या रहता है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि मैंने मान लीजिए कि ए इक्वल टू हमने यहाँ पे किया इनपुट, और इनपुट में हमने बोला कि एंटर ए नंबर, फिर हमने यहाँ पे दिया बी इक्वल टू, यहाँ दिया इनपुट और यहाँ पे दिया हमने एंटर बी नंबर, और हमने यहाँ पे स्लैश टी सब में लगा दिया, यहाँ भी स्लैश टी लगा दिया। अब मैं यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी करना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ प्रिंट में नरेशन देता हूँ कि प्रिंट प्रिंट में हमने यहाँ पे दे दिया कि ए, और यहाँ पे हम देते हैं परसेंटेज में, अब यहाँ तो फिलहाल यहाँ पे देते हैं आई, ठीक है, प्लस बी और यहाँ पे परसेंटेज आई इक्वल, यहाँ पे हम देते हैं परसेंटेज आई, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देते हैं, परसेंटेज का सिंबल देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कर देते, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत आएगी, इसमें आएगा एरर। जैसे एंटर नेम बोला है तो यहाँ पे हमने एंटर नेम में ने एंटर नेम, अच्छा वो आ गया, वो मैं सारा कोड इकट्ठा रन किया ना, एंटर नंबर ए तो मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया, एंटर नंबर बी हमने यहाँ पे 60 डाल दिया, और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया मुझे मिला एरर। क्यों एरर मिला? क्योंकि इनपुट जो मैसेज हुआ, अब भले ही नंबर इनपुट करे लेकिन ए के ऊपर स्टोर हुआ टेक्स्ट, क्या स्टोर हुआ, टेक्स्ट स्टोर हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां इनपुट हमेशा टेक्स्ट ही डालता है, तो टेक्स्ट ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ इंट में कन्वर्ट करना होगा, इंट इंट हमने इसको सेलेक्ट किया, और फिर यहां भी हम देते हैं इनपुट से आगे इंट इंट, और इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मुझे इस जो एंटर नेम जो आ रहा है इसको मुझे नहीं रन करना है, इसके आगे हैश लगा दीजिए, ठीक है, हैश होते ही डेड हो गया या कमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, कमेंट में कन्वर्ट। सर, अब अगर यहाँ खाली हमने खाली स्पेसिफिक को, मतलब हमने खाली एक ही कोड चलाना, जैसे कि अगर हमने ऊपर भी कोड है लेकिन हमने उसको नहीं चलाना, हमने खाली रो नंबर 30 से 34 को चलाना, तो उसके लिए कोई है तरीका? नहीं, वो इसमें पर कंपाइल होता है ना सर, नहीं समझे, ये राइट रन नहीं होता, ये कंपाइल करता है ठीक, वो सब चलेगा ऊपर। एंटरप्राइज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए जो लिखा मुझे ए नहीं चाहिए तो ए हटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70। तो एक कोड मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, आज की वीडियो भी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।